वेलकम बैक गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैटल रॉयल मोड के अंदर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जो बी आर रैंक वगैरह हम लोग खेलते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यू न्यू अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। अपडेट के बाद कौन से आप लोग को अपडेट्स, कौन से न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ डिटेल में बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इस तरीके से कुछ मजेदार वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाला वो गाइस यहां रहने वाले आईडी पे। अब गाइस यहां पे अगर आप लोग अपने बायो के अंदर कुछ भी ऐसे अपना नंबर वगैरह या फिर कुछ हैक वगैरह को परमिट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप लोग बायो के अंदर लिखोगे तो भाई आपका अकाउंट होता है सस्पेंड भी हो सकता है या फिर आप लोग का अकाउंट होगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, आप लोग कुछ वगैरह लिखना मत, नॉर्मल से ही आप लोग क्वांट वगैरह यूज करना ताकि आपकी आईडी को कुछ ना हो और आप लोग इजीली आईडी को बचा सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे बंदे वहाँ पे नंबर भी डाल देते हैं, काफी ज्यादा नंबर वहाँ पे कलर वाले भी क्वांट यूज करते हैं, तो ये सारी हरकतें मत करना, अपडेट के बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी आईडी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अपडेट के बाद आप लोग को गिल्ड वॉर के अंदर जो गिल्ड हम लोग खेलते हैं उसके अंदर गाइस आप लोग को 4 न्यू मैप ऐड कर दिया जाए, जिसमें फुर्गोट्री, कालाहारी, अल्पाइन और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट्रा मैप रहने वाला है, बर्मुडा मैप को हटा दिया जाएगा। तो ये भी काफी हद तक सही है और साथ में हम लोग को यहाँ पे कटाना का स्किन मिलेगा, 7 दिन के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे। इस तरीके से हम लोग इमोट को परचेस कर रहे थे 7 दिन के लिए मिल रहा था, इसी तरीके से 7 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे कटाना यूज कर पाएंगे और कटाना काफी हद तक सही भी है। मैंने आप लोग को वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जाके चैनल पे आप लोग चेकआउट कर लेना कौन से रिवॉर्ड आप लोग को गिल्ड के अंदर से मिलने वाले। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अपडेट के बाद आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने के लिए मिलेगी, वो रहेगी यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग एयरड्रॉप बनाते हो या फिर आप लोग रिवाइव देते हो या फिर कॉइन लूटते हो, ठीक है, तो आप लोग को गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपडेट के बाद आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। जो रहने वाला है अगर कॉइन्स आप लोग लूटने जाओगे गाड़ी से तो सिर्फ आपको गाड़ी वहां ले जाना है जहाँ पे कॉइन होते, वहां से आप लोग सिर्फ पास से निकलोगे तो भी आपका कॉइन होगा आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग रिवाइव देते हो, ठीक है, या फिर एयरड्रॉप बनाते हो तो एयरड्रॉप के अंदर आप लोग को गाड़ी के अंदर बैठ के भी अब रिवाइव या फिर आप लोग लूट सकते हो और यहाँ पे गाड़ी के अंदर से भी अपने फ्रेंड को रिवाइव दे सकोगे। तो काफी हद तक ये अपडेट मुझे सही लगा, काफी बार बंदे आ जाते थे तो ये अपडेट कहीं ना कहीं अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे ही हम लोग रैंक गेम खेलते थे तो हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी पे वॉल लगाने की, ठीक है, तो इसको ध्यान पे रखते हुए फ्री फायर ने इस बार क्या किया, इसके अंदर आप लोग आप गाड़ी पे भी वॉल लगा पाओगे, तो काफी हद तक सही है क्योंकि लास्ट जोन में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो ये काफी हद तक सही अपडेट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट रहेगा गाइस आप लोग को पीक और क्लॉक टावर में आई थिंक ये वाला स्टिकर देखने के लिए मिलेगा, जिसपे आप लोग को पास में जाने के बाद आप लोग अगर उसको यूज करोगे तो आप लोग को वहां से लूट मिलेगा और लूट का आप लोग लेके एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये अपडेट निकल कर आने वाली है। इसके बाद गाइस आप लोग को हंगर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, जो क्लैश कोड के अंदर एक होने वाला, ठीक है, जो क्लैश कोड खेलते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक सही होने वाला है। यहाँ पे गाइस आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जो सीढ़ियाँ है, ठीक है, उन सीढ़ियों को भी यहाँ पे चेंज कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो इनका साइज है वो उसको चेंज कर दिया है, तो किस तरीके से आगे ला दिया गया है, ठीक है, तो भाई ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अब आगे से आप लोग को ऊपर चढ़ना होगा तो थोड़ी मुश्किलें और बढ़ेगी, ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे आप लोग को जो पेड़ था उस पेड़ को यहाँ से निकाल दिया, सामने आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेड़ नहीं है और वहाँ पे आप लोग को एक न्यू कंटेनर देखने के लिए मिल जाएगा, जो अच्छा खासा सपोर्ट वहाँ पे से मिलेगा और आप लोग उस कवर से खेल के एक अच्छा खासा गेम खेल सकते हो। इसके बाद बात करें तो गाइस आप लोग को नेक्स्ट अपडेट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा हमारे रैंक गेम के अंदर आप लोग को हीरोइक जो हम लोग को ग्रैंड मास्टर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे न्यू आइकन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, कुछ हिसाब से हमारा न्यू आइकन रहने वाला है जो ग्रैंड मास्टर स्पेशल रहने वाला, ठीक है, यानी कि ग्रैंड मास्टर जो लोग पुश करते हैं उनको ही मिलेगा ये वाला और कुछ अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, बट रिवॉर्ड्स अभी तक निकल कर नहीं आए, बट आप लोग को आइकन कुछ हिसाब से देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे बी आर और सी एस की नेक्स्ट सीजन के आप लोग को रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिलेगा, जो ये दोनों हीरोइक टी शर्ट रहने वाले, तो यहाँ पे आप लोग बी आर का भी देख सकते हो और यहाँ पे सी एस का भी है, ठीक है, तो ये वाला सी एस का आप लोग देख लो तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है और ये आप लोग को बैटल रॉयल मोड का जो हमारा बी आर रैंक का है तो रैंक का भी सही है, ठीक है, तो इस तरीके से अपडेट ये निकल कर आएगा जो हमारे हीरोइक टी शर्ट। अब बात करते हैं बी आर रैंक के अंदर आप लोग को अब A1-4 कैरेक्टर यूज़ करते हो तो भाई आप लोग को ऑटोमेटिकली चार्ज करने के लिए आप लोग को वेंडिंग मशीन के अंदर से भी मिल जाएगा यहाँ पे जो हमारा एक्टिव स्किल का स्लॉट जो ऑटोमेटिक चार्ज करके आप लोग फिर से उसकी स्किल को यूज़ कर पाओगे, तो ये तो भाई कुछ अपडेट नहीं कहेंगे। फिर पोर्टल के अंदर आप लोग को कुछ हिसाब से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, कुछ हिसाब से घूमेगा, कुछ सेकंड लेगा यहाँ पे,
उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा हम लोग को ग्लूवर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस किया गया है। आई थिंक अब आप लोग को मैप के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, सीधा आप लोग वेंडिंग मशीन से परचेस कर पाओगे, इस तरीके से रहने वाला, ठीक है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा फुलटा था, तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है। पर इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आप लोग को मैप के अंदर से नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो बीआर रैंक के अंदर आप लोग को अब हर जगह पे हमारे जो मॉन्स्टर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, देखो तो कुछ हिसाब से जो हमारे जॉम्बी मोड के जो जो यहाँ पे दुश्मन थे उनको आप लोग को यहाँ पे ड्रैगन वगैरह भी आएगी, उन सभी को आप लोग को मारना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ड्रैगन वगैरह को आप लोग मारोगे तो आप लोग को यहाँ से मिलेगा 20 यहाँ पे रैंक पॉइंट, ठीक है। तो वही काफ़ी हद तक सही है, अगर स्क्वाड के साथ खेलोगे तो 100% आप लोग को एक्स्ट्रा रैंक पॉइंट मिलने वाला है। साथ में रैंक गेम के अंदर अगर किसी भी एनिमी को आप लोग मारोगे तो ऑटोमेटिकली अपने फ्रेंड को यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा कि एनिमी कहाँ से मार रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है और ये काफ़ी हद तक अच्छा लगा मुझे अपडेट, ताकि आप लोग को बताना ना पड़े। साथ में गाइस आप लोग को ऑटोमेटिकली कहीं भी ऐसी जगह पे जाओगे, एड्रो बनाओगे, तो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा अपने फ्रेंड के पास कि भाई ये मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, वेंडिंग मशीन के पास गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये अपडेट रहने वाला है। साथ में गाइस आप लोग को रोल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा जो कुछ हिसाब से रहने वाला है। तो रोल के अंदर आप लोग को अलग अलग टाइप के रोल यहाँ पे अदा कर सकते हो, अपने फ्रेंड को हेल्प वगैरह करोगे तो सपोर्टर रोल के अंदर आओगे, और मैच खेलने के बाद आप लोग को पॉइंट मिलेगी, उन पॉइंट के हिसाब से आप लोग को प्रोफाइल पे यहाँ पे जो हमारा रोल होगा वो आप लोग सेट कर सकोगे और पॉइंट वाइज से मिल कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए फुल मैप खेलना पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो गाइस आप लोग को ये सारी अपडेट देखने के लिए मिलेगी OB44, यानी कि 17 तारीख को हमारा अपडेट आएगा, उसी दिन ये सारी अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। तो बस आज की वीडियो इतना रखते हैं, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।